जय भीम जय भवानी जय भीम जय भवानी जय भवानी जय भीम। सोशल मीडिया पर एक वीडियो लगातार वायरल हो रहा है जिसमें करणी सेना के कुछ लोग जय भीम जय भवानी का नारा लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार परस्पर दो विरोधी विचारधारा को मानने वालों में से एक विचारधारा के लोग दूसरी विचारधारा का नारा लगाएं, जय जयकार करें तो जाहिर सी बात है सुनने वालों को कुछ तो हैरानी होगी। वो सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर आज सूरज किस दिशा से निकला है, इस वीडियो की सच्चाई क्या है, ये नारा किसने लगाए हैं, ये वीडियो कहां का है। इस पूरे मामले को जानने के लिए आप बने रहिए मेरे साथ और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार, मैं ब्रजमोहन और आप देख रहे हैं जनता आवाज। जब हमने इंटरनेट पर तमाम वेबसाइट YouTube, Facebook, Twitter जैसे प्लेटफॉर्म पर इस वीडियो में जय भीम जय भवानी के नारे लगाने वाले की तह तक जाने की कोशिश की तो हमें एक BK न्यूज नाम का YouTube चैनल पर ये पूरे 5 मिनट 34 सेकंड का वीडियो मिला। इस चैनल पर यह वीडियो 26 अगस्त की शाम को अपलोड किया गया है। अनुमान है कि इसी वीडियो में से कट करके ये 16 सेकंड की क्लिप वायरल हो रही है। कभी SC ST समाज के लोगों की टांग काटने की धमकी देने वाला सुखदेव सिंह गोगामेडी आखिर जय भीम जय भवानी का नारा कैसे लगा सकता है, यह बात जानने के लिए हर कोई व्यक्ति उत्सुक होगा। आपकी इसी उत्सुकता के जवाब के लिए आपके लिए हमने ये रिपोर्ट तैयार की है। तो आइए जानते हैं कि इस पूरे वीडियो की सच्चाई क्या है, इस वीडियो में सुखदेव सिंह गोगामेडी ने और क्या कहा। आपको बता दें इस वीडियो में श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी राजस्थान यूनिवर्सिटी में चल रहे छात्र संघ के चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी निहारिका जोरवाल के समर्थन में वोट करने की अपील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी दौरान यह जय भीम जय भवानी का नारा उनके द्वारा लगाया गया। निहारिका जोरवाल राजस्थान सरकार में मंत्री मुरारीलाल मीणा की बेटी हैं। निहारिका जोरवाल को NSUI से टिकट नहीं मिला इसलिए वो निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं। चूंकि निहारिका ST समाज से आती हैं, शायद इसीलिए श्री राष्ट्रीय राजपूत सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी जय भीम जय भवानी का नारा लगा रहे हैं। की दिक्कत आती है उन सबको मिलाते हुए आज नारा दिया गया है जय भीम जय भवानी जय भीम जय भवानी जय भवानी जय भीम जय भवानी जय भीम जय भवानी जय भीम। और एक विशेष समुदाय की तरफ इशारा करते हुए देश में जातवाद फैलाने का आरोप भी लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि देश में भाईचारा बनाने के लिए जय भीम जय भवानी का नारा लगाना जरूरी है। कोई भी समाज सेवी या राजनेता देश में भाईचारा बनाने की बात करे तो निश्चित रूप से बधाई के पात्र होते हैं ऐसे लोग। लेकिन यहाँ बड़ा सवाल यह है कि आखिर कोई व्यक्ति दिखावे के लिए चाहे कोई भी नारा लगा दे लेकिन उसकी जातवादी दिमाग में तो जातवाद कीड़ा ही पनपेंगे। आप पहले सुखदेव सिंह गोगामेडी का ये वीडियो देखें। इस वीडियो में वे सरेआम SC ST के लोगों को SC ST एक्ट लगाने के नाम पर सरेआम टांग काटने की धमकी दे रहे हैं। दबा करवाया है उसकी दोनों टांगे काट दो। अगर प्रशासन नहीं सुनता है, नहीं बात को सुनता है प्रशासन, अगर SC ST एक्ट का आप पर झूठा मुकदमा दर्ज होता है आप प्रशासन के पास जाकर के सबूत दे दो कि मैं इस जगह फलानी जगह यहाँ पर था, यह मुकदमा झूठा है। फिर भी अगर प्रशासन नहीं सुनता है तो जिसने मुकदमा करवाया है उसकी दोनों टांगे काट दो। सुना आपने, जय भीम और जय भवानी का नारा सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्र संघ के अध्यक्ष पद की प्रत्याशी निहारिका जोरवाल वर्तमान गहलोत सरकार में मंत्री जी की बेटी हैं। तो
तो अपना मतलब निकालने और मंत्री जी का चहेता बनने के लिए इस तरह के नारे लगाना तो बनता है। आपको बता दें, ये लोग सावरकर की उसी विचारधारा से आते हैं जो अंग्रेजों से कई बार लिखित में माफी मांग लेते हैं। ये वही लोग हैं जो सत्ता की चाशनी का रस चखने के लिए अकबर जैसे मुगल शासकों को भी दामाद बनाने में कोई परहेज नहीं करते। फिर यह तो मात्र नारे लगाने भर की बात है, तो इसमें अचंभा कैसा? ऐसे वीडियो क्लिप सामने आने पर किसी को नहीं चौंकना चाहिए, ऐसे वीडियो देखने पर किसी को हैरानी नहीं होने चाहिए। साथियों, आपको बता दें, इस वक्त सोशल मीडिया पर इस क्लिप को लेकर और क्या चल रहा है, वीडियो को लेकर लोग अपनी क्या प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, अब यह भी जान लेते हैं। ट्विटर पर वायरल हो रही इस क्लिप में कई लोग कमेंट करके लिख रहे हैं कि लगता है मनवादी व्यवस्था की नींव हिलने लगी है, ये खौफ हमें पसंद आया, जय भीम, जय जोहर, जय संविधान, जय मंडल। एक और अन्य ट्विटर यूजर ने लिखा है, हमारे लोग अगर इनकी चाल को समझकर समाज के अनुसार चलने लगे और ऐसे लोगों को कोई भाव देना बंद कर दें तो इनकी चुल हिलते देर नहीं लगेगी, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। ये इसलिए ऐसा करते हैं जिससे ओबीसी एससी एसटी भी इनके साथ आ जाएं, बस नाम लेते हैं केजरीवाल की तरह और हमारे लोग बहक जाते हैं। ये भवानी कौन है? बहकना नहीं बहुजनों, लड़ाई बड़ी लंबी है, जय भीम, जय मंडल। वहीं एक और ट्विटर यूजर ने लिखा है, यह भाईचारा कभी नहीं हो सकता क्योंकि हमेशा पीठ के पीछे छुरा इन्होंने ही मारा है, सबसे बड़ा जातवाद तो यही करते हैं। तो साथियों, ये थी सोशल मीडिया की वो तमाम प्रतिक्रियाएं जो लोग अपने ट्विटर हैंडल, फेसबुक पेज और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिख रहे हैं। तो इस खबर में हमने इस वायरल वीडियो की सच्चाई बताने की कोशिश की। अंत में एक बात और कहना चाहूंगा, अगर हकीकत में कोई बिना स्वार्थ के जय भवानी जय भीम के नारे लगाए तो ऐसी पहल समाज के लिए स्वागत योग्य है। फिलहाल इस पूरी खबर पर, इस पूरे मसले पर आप क्या सोचते हैं, आप क्या विचार रखते हैं, अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, आप देखते रहिए जनता आवाज। और एक और छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों में शेयर करना ना भूलें। नमस्कार, जय भीम।